मेरी एक दर्शक अर्पिता माथुर जयपुर से जुड़ गई है, सुनिए अर्पिता क्या कहती है। अर्पिता, क्या आपको लगता है वहां पे राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है? जयंत दीपक जी, बिल्कुल लगता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है और देखा जाए तो बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। रिपोर्ट आने के बाद ये चीज इतनी स्पष्ट हो गई है और आप खुद सोचिए, उच्च न्यायालय को अगर अपना कॉन्फिडेंस लेना पड़ रहा है, संज्ञान लेना पड़ रहा है, बीच में आना पड़ रहा है, तो कितनी विभत्स हालत होगी। और आप तो ये सोचिए कि ये तो वो लोगों की रिपोर्ट है, जैसा दीदी ने बताया कि जो दीदी पंजाब से है, उनको बोला गया कि आप पंजाब से हैं। अरे देश तो पूरा एक ही है, इसमें पंजाब या राजस्थान क्या कर लेगा। चीजें जो सबके सामने आ रही है, जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है, इसको विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो लोग वहाँ के लोकल है उनकी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब तो रिपोर्ट आ गई है, न्यायालय ने अपने संज्ञान ले लिया, उसके बाद भी आपको विश्वास नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। दिलीप साहब ने बहुत सही कहा कि हिंसा का जवाब देना पड़ेगा। अरे कोई घर पर आएगा, आप सोचिए कितनी विभत्स हालत होगी कि एक परिवार के सामने, पिता के सामने, बीवी के, उनके हस्बैंड के सामने औरतों से सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, उनको सड़कों पर रगड़ा जा रहा है, उनकी ऐसी बुरी हालत की जा रही है। ये तो सभी जगह आ रहा है, ये किसी दूसरे देश का तो है नहीं, है तो इसी देश का, सभी देख रहे हैं। तो अगर दीदी इस चीज को देखें, उसका भी वो संज्ञान। ठीक है अर्पिता जी, आप ही की बात से मैं आगे बढ़ता हूँ।